नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है द फियरलेस टॉक्स के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो हस्ती जुड़ने जा रही है उनका नाम है व्यासा। तो आइए सब लोग स्वागत करते हैं एक युवा संगीतकार और गायक का। हेलो व्यासा, हेलो, व्हाट्स अप। बहुत ही शुक्रिया आपका जो आपने आपका समय हमारे लिए निकाला इस बातचीत के लिए। माय प्लेजर। हम शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आपको संगीतकार बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको क्या, किस वजह से आप इस क्षेत्र में आना चाहा? तो वैसे तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि म्यूजिक को मैंने नहीं चुना है, म्यूजिक ने मुझे चुना है पहले। क्योंकि आपके जब स्कूल डेज होते हैं तो आइडियल, एटलीस्ट इन माई लाइफ, ऐसा था कि ऐसा कोई गोल नहीं था। एकेडमिक नेचर में आप पढ़े भले हो तो आपको पढ़ाई करना है और फिर आगे जो है बाद में देखा जाएगा, ऐसा है। तो आई नेवर टुक म्यूजिक, दोस्तों के साथ गाना वाना होता था ऐसे बस। बट देन डिग्री कॉलेज में जब मैं आ गया तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले टू एक्सप्लोर माई करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ व्हेन आई वाज सिंगिंग ऑन स्टेज और माइक। आई ऑलवेज लाइक्ड इट एज अ प्रोफेशन कि बाकी लोग अच्छे दिखते हैं मुझे करते वक्त, मैं खुद को कभी इमेजिन नहीं किया था। तो दैट इज व्हेन अ प्लेस इन डिग्री कॉलेज, जब मैं आफ्टर 12th व्हेन आई वेंट, तो वहां पे मुझे फील किया कि ओके देयर इज समथिंग व्हिच आई लाइक अबाउट इट। आई वाज सर्चिंग ऑलवेज, मुझे फुटबॉल पसंद था स्कूल के टाइम पे, ऑल दैट। तो बहुत सारी चीजें किया मैंने पढ़ाई के अलावा जो मुझे पसंद था। तो फाइनली म्यूजिक हैपेंड टू बी समथिंग दैट इट कनेक्टेड समवेयर। आई डोंट नो व्हाट इज डज दैट मीन वो टाइम पे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा लगा। आई फेल्ट कि ओके आई एम फीलिंग समथिंग एंड लोगों को अच्छा लग रहा है व्हाट आई एम डूइंग। तो जर्नी वहां से शुरू हुआ एंड देन म्यूजिक अगेन चोज मी फर्स्ट टू बिलीव इन दैट। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे इसको एक्सप्लोर करना है। आई लाइक म्यूजिक एज अ फील्ड इटसेल्फ, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी एक्सप्लोरेटिव। तो बस जर्नी वैसे शुरू हुआ कॉलेज के बाद। पहला जैसे मैं जब मुंबई वापस आया तो वहां से मैं अपना जर्नी बस म्यूजिक को कीबोर्ड सीखने शुरू किया पहले, क्योंकि मुझे म्यूजिक समझना था ये डिटेल में कि होता क्या है इसमें, कैसे चीजें होती है। तो कीबोर्ड सीखने शुरू किया, फिर पियानो सीखने शुरू किया। तो धीरे धीरे करते करते आई टुक द फ्लाइट एक्चुअली। अदरवाइज आई हैड नो इंटेंशन कि अच्छा मुझे तो म्यूजिक ही करना है, ऐसा कुछ था नहीं पहले। बट मुझे श्योर था कि पढ़ाई तो मेरे से नहीं होने वाला, कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है मैं ढूंढ ही रहा था। तो म्यूजिक हैपेंड टू जी, बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन, बस वहां से शुरू हुआ। रेस्ट इज लाइक प्रैक्टिस। आपका जो फेमस सिंगल है वजूद ए सब, तो आप हमें सबा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? श्योर। तो वजूद सबब, पहली बात तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं डिक्शनरी में कि वजूद सबब का मीनिंग, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वजूद का मीनिंग है और सबब का मीनिंग है, तो विच मीन्स रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। तो जब गाना बनाते वक्त ये आइडिया था कि आई वॉन्टेड ऑलवेज टू मेक अ सॉन्ग अबाउट रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, अगेन वेर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि फाइंडिंग योर सेल्फ, कि वॉट आर यू गुड एट और वॉट इज योर पाथ इन लाइफ, पर्पस इन लाइफ, तो करना था मुझे हमेशा से। तो मेरे पास और भी थोड़े सिंगल्स थे जो मैंने बना के रखे थे एज अ कॉम्पोजिशन, बट दिस हैपन्ड टू बी वन थिंग आई वॉन्टेड टू रिलीज। एंड वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज लास्ट ईयर जब मैं इसका काम कर रहा था तो शमशेर सिंह बेनियास जो है इसके जो लिरिसिस्ट है, तो उन्होंने मुझे एक साल पहले 2018 में एक ईमेल भेजा था सेइंग कि लुक लाइक विद दिस पीडीएफ ऑफ 100 और मोर पोएम्स इन इट, कि लुकिंग फॉर अ कोलेबरेशन, यू नो समथिंग इफ इट हैपेंस। तो बट आई वी नेवर कनेक्टेड सो आई डेंट नो अबाउट इट। तो वो रह गया था। तो तब ये आइडिया जब आया कि आई वॉन्ट टू मेक अ इंस्पिरेशनल सॉन्ग, आई वॉन्ट टू मेक अ सॉन्ग ऑन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, तो देन दिस क्लिक्ड कि ओके आई वॉज लुकिंग फॉर अ लिरिसिस्ट एंड देन आई वेंट टू द मेल। तो वहां पे मैंने देखा कि ओके दिस मेल, आई रिमेंबर दिस मेल, कि कुछ तो एक लिरिसिस्ट ने मुझे भेजा है। तो आई चेक डिट और उसमें मैंने देखा बहुत सारे पोएम्स थे। देखते 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 एक जगह मिला मुझे जहाँ पे इवन मेरे गाने में भी है वो, एक परिंदा के स्टोरी के बारे में बताती है, बता जाता है वहाँ पे कि जी एक बीज कोई बोता है और फिर उस पे पेड़ उगते हैं और उसमें और परिंदे आते हैं और फिर इनकलाब करके उड़ते हैं। तो आई रियली लव्ड दैट कॉन्सेप्ट एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ लिरिसिज्म। तो आई वॉज लाइक आई गॉट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर करके, देन आई कनेक्टेड विद हिम, वेरी स्वीट गाय एंड माई फेवरेट लिरिसिस्ट।
तो बस जर्नी वहां से शुरू हुआ और बस वो, और वीडियो जब आ गया तो वीडियो में ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे एक ऐसी स्टोरी बतानी है जो एक नॉर्मल लाइफ में जो हर इंसान करता है, मतलब देयर फ्रस्ट्रेशन इन देयर जॉब और वॉट एवर एंड हाउ दे फील अबाउट इट, हाउ डिटैच्ड दे आर फ्रॉम देयर प्रोफेशनल वर्क समटाइम्स जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू दैट बट दे हैव टू डू दैट। जी तो बस वही नेचर में कुछ बनाना था बट या सो इट टुक अ व्हाइल, लॉट ऑफ टाइम वेंट इनटू दिस। लास्ट ईयर एट दिस टाइम वी वर डूइंग द स्क्रीन प्ले फॉर द सॉन्ग फॉर द वीडियो, तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी बट या द कमेंट्स एंड फीडबैक्स वर रियली गुड एंड वेरी टचिंग, सो यस आई एम हैप्पी। मैंने तो पर्सनली वो गाना सुना है बट क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए और जो लोग ये अभी इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए उस गाने की कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं? या श्योर। सो देखो परिंदा ऊंचा उड़ रहा है, तूफानों से वो लड़ रहा है, टूटा है पंख फिर से उसका, जमीन पे तेजी से गिर रहा है, मिट्टी में दफन होके वो बीज बनेगा, बंजर जमीन को फोड़ कर एक पेड़ उगेगा, उसकी टहनियों पे और परिंदे आएंगे, इनकलाब करके उड़ेंगे। तू पहली दफा है खुद से मिला, अब पीछे मुड़ना इस बार नहीं, जब वजूद सबब है मकसद से मिला, अब खुद से तेरी कोई हार नहीं, तू पहली दफा है खुद से मिला, अब पीछे मुड़ना इस बार नहीं, जब वजूद सबब है मकसद से मिला, अब खुद से तेरी कोई हार नहीं, वजूद सबा वजूद सबा वजूद सबा। थैंक यू सो मच, मुझे फिर से एक बार ये लाइव वर्जन सुनने को मिला इसी बहाने, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके बाद जब आपने अपना डेब्यू एल्बम निकाला, आप हमें उसके बारे में क्या बता सकते हैं? सो एक्चुअली वही तो वजूद सबब वाज माय फर्स्ट सिंगल, तो मैं एल्बम है, मेरा प्लान टू डू दिस कंपाइलेशन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच आई हैव रिलीज्ड वो तो है, बट देन मुझे हमेशा से सिंगल एज अ सिंगल इसको इसलिए रिलीज करना था क्योंकि आई वांटेड इट टू बी अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, तो वो मुझे था, इसलिए वजूद सबब बिकेम हैपन टू बी माई फर्स्ट सिंगल, तो डेब्यू सिंगल के तौर पर मैंने उसको रिलीज किया है। तो और सारे जो म्यूजिशियंस टेक्नीशियंस एवरी वन इज वेरी क्लोज टू मी, वाई बिकॉज दिस वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक जर्नी, तो जैसे मैंने बताया फ्रॉम द टाइम ऑफ लिरिक्स टू द सॉन्ग टू द फाइनल आउटपुट ऑफ द वीडियो, तो इट वॉज अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ओके दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, बट देन नो लेट्स मेक अ वेरी ऑथेंटिक motivational song. I didn't want to make a motivational song and didn't do the song. It happened to be in the process and this happened to be the first song. So that was the idea to make it very personalized way. Isliye even video mein bhi Pulkit jo he's done a very good job as an actor in the video. So even what he's trying to portray is the usual person who goes in the train or in the bus or sitting in the bus stand replying to the boss and not feeling good about what he's doing or fir बस रातों रात बैठा है कहीं अंधेरे में और इज वेंटिंग आउट, तो दिस वाज द आइडिया वी हैड इवन व्हेन वी वर सिटिंग विद हिमांशु हु इज द म्यूजिक प्रोड्यूसर फॉर द सॉन्ग, तो हम जब बैठ भी रहे थे तो वी वर नॉट ट्राइंग टू मेक अ हिप हॉप और R&B सॉन्ग कि चलो बीट्स डाल दिया और कुछ बनाते, वी लिटरली सैट ऑन पार्ट्स बाय वन बाय वन एंड देयर इज अगेन विवेक हरिहरन हु इज डूइंग द सेकंड वोकल्स इन द सॉन्ग, तो
उनका सेक्शन जो है थोड़ा और कॉन्फिडेंट सेक्शन है वो, इसलिए ही कम्स इन द सेकंड हाफ एंड आई एम द पर्सन हु इज हु सिंगिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सॉन्ग हु इज अ बिट वल्नरेबल हु जो जो और कुछ पाना चाहता है और कुछ सोच रहा है, बता रहा है कि सपनों की जिद है, ऑल दीज थिंग्स. तो एवरीथिंग वॉज वेरी ऑर्गेनिक एंड विवेक इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो ही इज अ प्लेबैक सिंगर हु डिड वर्कड इन उरी, लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज, कालाकांडी, ऑल दैट. सो I always wanted to do something with him because he's a friend and a singer. So it happened again. It happened to be ki ye mera pehla gana tha. So I asked him ki can you do this for me? Second half of the song, I'm looking for a confident person. Like I am being a more confident person in the second half of the song. So wo idea tha. He has a very bold voice. To usme sab. So yeah, so ye concept tha. We wanted to make something authentic. That is the idea. So bas aur it's not a song for me, it's an experience for me. That's what I feel while making it. So I remember a very vivid memory the last year when I was performing somewhere, and a guy came to me and he said he's a bike rider, he goes for rides around, and he said ki I heard your song and it's one of my songs in the playlist while riding, because it gives me, I put my acceleration more while doing that bike ride because it gives me that pump and that motivation and inspiration in a way. So all these sweet little things, ji, I think that's my that's my reward, and I really look for that. To aap ne music ko seriously lekar pehli bar stage performance kab kiya tha, kis umr mein kiya tha? Actually woh main bol raha tha ki main jab college mein tha tabhi stage performance hua, और फिर जाके मैंने सीरियसली लिया कि अच्छा इसमें मैं खुद अच्छा साउंड कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं गा रहा हूँ और द वाइब, यू नो. तो शुरू तो वहां से हुआ, बट देन आई थिंक सिंगर का जो मेरा जर्नी है, आई नेवर थॉट माई सेल्फ एज अ सिंगर दैट वे, बिकॉज इफ आई लुक एट माई जर्नी तो मैंने स्टार्टिंग तो सिंगिंग से किया था वैसे, लेकिन जब मैं कॉलेज छोड़कर मुंबई आया, आफ्टर माई डिग्री कॉलेज, व्हेन आई केम टू मुंबई, I really wanted to know more about music as such. तो singing थोड़ा backstand ले लिया था, तो मैंने keyboard शुरू किया सीखना, Trinity College of Music का थोड़े grades Western Classical में शुरू कर दिए, उसके बाद music arrangement सीखने चालू किया. तो I did a lot of shows as a keyboardist initial days में. तो that is a great experience, like I can't even express it, because live का ऐसा है कि instant reaction होता है ना, when you are doing live. लोग आपको इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं, भले जब सिंगर गाता है या फिर कोई म्यूजिक बजता है. तो वी डिड समथिंग कॉल्ड इन काला घोड़ा फेस्ट, वी डिड अ शो, आई रिमेम्बर, लाइक वेरी मेनी इयर्स बैक. तो द पीपल, यंग क्राउड देयर, एंड द वे दे रेस्पॉन्ड टू अ सॉन्ग, तो एकदम से समझ में आता है कि व्हाट दे फील अबाउट अ सॉन्ग. तो दैट इज द बेस्ट अबाउट लाइव म्यूजिक. बट आफ्टर दैट, यू नो, वंस यू गेट इन टू द स्टूडियो, तो फिर तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप अपने जोन में कुछ बना रहे हो और एक प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर लाइव करने जाते हो, तो सब तब समझ में आता है, अच्छा दिस इज व्हाट यू फील, अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल कमेंट्स दैट यू गेट. तो दैट वे इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द स्टेज, आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई एवर टुक अ माइक इन माई हैंड वॉज, तो हमारे यहाँ पे वेर आई स्टे इन डोंबिवली, द प्लेस देर इज सम एसोसिएशंस हु does you know cultural shows, cultural programs. So Swami Ayyappan jo god hai, Kerala mein bahut unko mana jata hai as a god. To unka jo association hai unke naam pe jo banaya jata hai, to wahan pe cultural programs hote hain. To mom dad ke kehne par first time maine wahan pe first time mic uthaya tha haath mein. I think that was after my 10th standard, and that is the first time I heard my voice in a mic, and I really felt different about it. बट आई थिंक माई मोटिवेशन वॉज 10th स्टैंडर्ड हो गया और मुझे अच्छे मार्क्स इतना आया नहीं, तो मुझे कुछ तो करना था जिससे मम्मी डैडी को लगे कि हाँ बेटे ने, यू नो, कुछ तो लोगों के सामने कुछ किया है. आई नो ऑल दीज किडिश थॉट्स वर इन माई माइंड दैट टाइम, एंड दैट वॉज द आइडिया फॉर गोइंग टू स्टेज. लेकिन जब स्टेज में गया गाने वाने प्रैक्टिस करके, तो मैं जब गा भी रहा था, मुझे लिरिक्स तो याद नहीं थे, बट मैं गा रहा था आउट ऑफ माई मसल मेमोरी, बट माई हैंड्स वर लिटरली शेकिंग. So that is my first experience in a stage, but I'll never forget that experience, how I sounded there, you know, and yeah, all these things were my, you know, soul connection to this profession, because I found something very unique about
दिस इंडस्ट्री म्यूजिक एज अ बिजनेस और आर्ट फॉर्म. देयर इज सो मच दैट यू नो यू कैन फाइंड आउट थ्रू इट इन योर लाइफ पर्सनली. तो या सो दैट्स व्हाई आई फील कि इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. म्यूजिक इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. आई बिलीव इन इट. जो एक फिल्म रिलीज हुई थी फिलौरी नाम की, उसमें आपने गाना किया था दम दम, तो वो आपका बॉलीवुड में डेब्यू था, तो हमें उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए. तो बहुत तो विवेक अगेन इज अ फ्रेंड जो मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो ही हैपेंस टू बी द एग्जीक्यूटिव म्यूजिक प्रोड्यूसर फॉर शाश्वत सचदेव हु इज द कंपोजर. फिलौरी का जो कंपोजर है शाश्वत है. तो I happened to be there as a session artist for keyboards, for playing piano parts on the song. It was a very small part I had to do. But yes, it was a debut for me in the film fraternity. So I think my idea of becoming an independent musician somewhere germinated from there, strangely. Because I was there wahan pe as a commissioned artist, session artist, to do keyboard playing. But I met him somewhere in February that year, I think it's 2016-15 or something. So almost 6 to 7 months on and off, I was with him in the studio for whenever he calls me, I used to go. And he's an amazing composer who did Uri now. He's the composer behind Uri also. So he's a genius composer and musician. So while working with him, I realized keyboard was not my limit that I was trying to do. Because main wahan baitha tha, keyboard to थोड़े बहुत अप्रूव हुए, व्हाट एवर ही लाइक्ड अबाउट मी, व्हाट आई एम प्लेइंग, थोड़े बहुत है गाने में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज विद हिम. अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग सेक्शन क्या लगता है तुझे इसके बारे में, एंड हाउ डू फील अबाउट द साउंड ऑफ द सॉन्ग, हाउ डू फील अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस आइडिया. तो इन सारी चीजों में हमारी डिस्कशन हो रही थी वो टाइम पे. सो दैट दोज कॉन्वर्जेशंस यू नो बूस्टेड अप द कॉन्फिडेंस इन मी टू क्रिएट न्यू सॉन्ग्स. टिल देन आई वॉज नॉट क्रिएटिंग न्यू सॉन्ग्स, आई वॉज वर्किंग एज एज टेलिंग यू. मैं तो कीबोर्ड बजा रहा था कि म्यूजिक अरेंजमेंट का काम कर रहा था किसी लाइव आर्टिस्ट सिंगर के लिए. तो फ्रॉम देयर दिस कॉन्फिडेंस केम इन टू मी दैट ओके आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग ऑफ माई ओन. तो फिल्म म्यूजिक की जो स्ट्रक्चर होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी होता है, राइट? तो उस पर आपको एड ऑन करना होता है आपके एबिलिटीज को. तो लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आपको चांस मिलता है टू do something of your own, create an idea and then make music out of it. So ye journey mujhe bahut personalized aur empowering laga. So from that point I had this idea of releasing my own songs. Then I started working on it. I almost stopped, you know, other works jo main kar raha tha wo main almost rok diya tha, because I wanted to understand ki what kind of a musician I am. Agar main original karunga kal ko to main kis tarah lagunga, aur मैं क्या बोलना चाहता हूँ पहली बात तो एज एन आर्टिस्ट. तो आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड जिसकी मुझे क्लैरिटी नहीं थी. तो वो सब के बीच में कहीं कहीं थोड़े ट्यून्स बना दिए थे मैं, क्योंकि मैं कीबोर्ड तो बजाता ही था, तो मैं कुछ ना कुछ मेलोडी में खेलता था बैठ के, कुछ कीबोर्ड में कुछ करता था. तो करते करते एक साल ऑलमोस्ट मैं निकल गया ऑन एंड ऑफ, एंड देन फाइनली देन लास्ट ईयर आफ्टर वन ईयर ब्रेक फ्रॉम कवर सॉन्ग्स और व्हाट एवर एल्स आई वाज डूइंग, आई came back to this idea कि अभी मुझे originals के बहुत सारे काम करने हैं, release करना है और सारा काम. तो उस तरह शुरू हुआ. तो then coming back to this idea कि when I was thinking कि मुझे किस तरह का musician बनना है, तो that is somewhere as a circle came up with वजूदे सबब कि you know finding yourself, finding a purpose in life. तो ये सारा connection हो गया. And जो college में मैं singing कर रहा था without any understanding, that came back to me in Vajud Sabab as a singer in me. So I consider myself as a composer then a singer, because I'm expressing the thoughts which I had in mind in my voice. So that you're asking me about the singer, right? So yes. One of the journey. So singing, this is how I connect my singing. Ki kuch batana hai mujhe in tune in lyrics. So maine meri awaaz ko chun liya wo batane ke liye. Bas. That is the only way I could comment myself as a singer. Otherwise, it's just music. However it comes out. तो जैसे मैं एक फैन हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग्स
और म्यूजिक एल्बम्स, ये दो अलग अलग इंडस्ट्री है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? मेन तो डिफरेंस वही है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है टू थिंक ऑफ एन आइडिया, जर्मिनेशन ऑफ एन आइडिया से आपको काम करने का एक चांस मिलता है एज एन इंडिपेंडेंट, और बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, उसमें कोई स्क्रिप्ट अटैच नहीं होती, ना तो कोई मूवी का बैगेज होता है उस पर, उसमें आप एक स्टोरी बता सकते हो, एक 4 मिनट का गाना बता बोल सकते हो, गा सकते हो और बता सकते हो। तो दोनों की अपनी अपनी चार्म है, क्योंकि मूवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि इट्स अ पैकेज, राइट। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कैसी है कि अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे आपको गाने सुनने मिलते हैं 2.5 घंटे के स्लॉट में, आपको एक्टिंग देखने मिलता है, ड्रामा देखने मिलता है, प्यार देखने मिलता है, हेटरेड देखने मिलता है, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, डांस, एवरीथिंग हैपेंस इन 2.5 आवर्स। तो उसकी जो जर्नी होती है एज ए म्यूजिशियन, कि आपका डायरेक्टर ने एक स्टोरी सोची होती है, स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ लिखा होता है, उस पर आपको काम करना है, तो दैट बिकम्स योर बॉलीवुड जर्नी, कि एग्जिस्टिंग स्टोरी को हम एनहेंस कैसे करें फ्रॉम आवर स्किल्स। तो वो है एक सेक्शन। इंडिपेंडेंट इज कम्प्लीटली यू नो अप टू यू एज एन आर्टिस्ट, यू कैन डिसाइड कि वॉट काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू बी एंड वॉट इज एक्सप्रेशन आई वॉन्ट टू से। तो आई हैव अ लिबर्टी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो दिस इज द मेन डिफरेंस आई फील। बाकी तो आई लव बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री बिकॉज इट रीचेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन द ग्लोबल मैप, इंडिया को रखता है वो ग्लोबल मैप पर, और उसमें बहुत सारे बड़े लेजेंड्स आके गए हैं जो फिल्म्स में काम किए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स बने हैं, तो इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल चार्म ऑफ इट्स ओन। बट आई फील कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक गिव्स आइडेंटिटी टू एन आर्टिस्ट इफ यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ समवेयर, आई फील, पर्सनल ओपिनियन। एंड देन बॉलीवुड कैन बी यू नो कैन चूज कि विच टाइप ऑफ आर्टिस्ट आई एम, ओके नाउ दिस इज द काइंड ऑफ मूवीज आई वॉन्ट टू डू और दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू डू, उसके क्लैरिटी मिलती है। बट अगेन इट्स इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट, देयर इज नो रूल्स फॉर दिस इंडस्ट्री, इज द इंडिविजुअल्स जर्नी, और आप डिसाइड करते हो और यू नो जर्नी हैपन्स टू यू। तो आई फाइंड बोथ यू नो इन द सेम पैलेट, बट ओनली थिंग इज आई चोज टू बी फर्स्ट एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, एंड देन ऑफकोर्स आई एम ओपन टू यू नो फिल्म सॉन्ग्स, फिल्म प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग फॉर श्योर, बट दिस इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन फॉर मी, इंडिपेंडेंट म्यूजिक। आपका जो सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट था आत्मनिर्भर भारत सॉन्ग, तो उस बारे में आप क्या बता सकते हैं? हाँ ओके, तो आत्मनिर्भर भारत का तो एकदम वियर्ड है एक्चुअली। मेरे एक फ्रेंड है एंड ही इज अ डिजिटल, ही इज माय फ्रेंड हु डज द स्ट्रेटजीज फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग, जो मेरे गाने आते हैं, एंड इज अ गुड फ्रेंड, तो हिज नेम इज ग्रेविन ग्रेस। तो ही इज द वन हु ही कीप्स ऑन सजेस्टिंग मी, वो हमेशा यू नो मंथली और वीकली कॉल्स मी एंड सेज की एक आइडिया है तो इस पर कुछ करना चाहता है क्या, ऐसे बोलता है, ही कीप्स ऑन टेलिंग मी समथिंग ऑन दिस। तो वन डे ही टोल्ड मी ऑल ऑफ अ सडन अबाउट यू नो वोकल से लोकल, एक बहुत अभी चल रहा है, मतलब मोदी जी ने कुछ बताया है अबाउट दिस इनिशिएटिव एज एन आइडिया जी, तो बोला कि इस पर कुछ तू ट्राई कर सकता है क्या। तो मैंने बोला यार मैं तो पॉलिटिकल हूँ नहीं और मैं तो बहुत ही बुरा हूँ करंट अफेयर्स में, तो आई डोंट रियली नो कि इफ आई कैन यू नो थिंक अबाउट समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वो आइडिया को एक सजेशन के तौर पर छोड़ दिया, तो इवन ही ऑल्सो डिडंट टेल मी आफ्टर दैट। तो आफ्टर फ्यू डेज डाउन द लाइन आई वेंट बैक, आई चेक्ड अबाउट दिस टॉपिक एंड देन आई अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि इसका मकसद क्या है, ये आइडिया का मकसद क्या है, एंड दैट रियली कनेक्टेड मी यू नो कि दिस इज समथिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल, पार्टी और एनीथिंग अबाउट इंडिया, इट इज अबाउट एन आइडिया that can stay for generations, yes, you know, so that really connected me somewhere, you know, some chord connected in it, so then I felt ki acha mujhe abhi kuch karna hai isme, to then main ekdam se studio mein aa gaya, apna lab mein aa gaya aur fir main modi ji ka speech suna jaakar, to unka pura speech suna to and because I didn't know ki where to start now, abhi atmanirbhar bharat pe to hum kuch bahut kuch bol sakte hain, so I needed a starting point, so then I went to speech। देन उनका जो 5 पिलर्स के बारे में उन्होंने बताया है उस पे वीडियो पे,
इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, ऑल दैट. तो दैट गेव मी अ स्टार्ट टू द सॉन्ग. अच्छा अभी मैं कुछ आई हैव समथिंग इन माइंड. तो फिर मैंने ट्यून पहले शुरू किया, काम किया, कंपोजिशन पे काम किया, ट्यून पे काम किया, सिनॉप्सिस बनाया एक कि क्या क्या मुझे बोलना है इन द सॉन्ग, व्हाट आई एम थिंकिंग टू से इन द सॉन्ग. तो पूरा पॉइंटर्स बना लिए. फिर मैंने मेरा जो शेर शमशेर जो जिन्होंने वजूद सबब भी लिखा है, तो उनको मैंने बोला कि यार एक गाना है मेरे पास, आप कुछ लिखना चाहोगे इस पे? तो ये टॉपिक मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा, इट्स अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ अ टॉपिक. तो देन ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड, अच्छा देश के बारे में है कुछ, चलो करते हैं, मजा आएगा. तो ही वाज आल्सो गॉट इंटरेस्टेड. तो वैसा शुरू हुआ. एंड देन आई थिंक हमने कुछ 6 या 7 गाने किए अब तक, अनरिलीज भी बहुत सारे गाने हैं जो पड़े हैं अभी भी. तो आउट ऑफ दोस दिस इज द फास्टेस्ट सॉन्ग दैट ही रोट फॉर मी. एक दिन दो दिन के अंदर गाना उन्होंने लिरिक्स खत्म कर दिया लिटरली. तो देन आई डिड सम ट्वीकिंग्स कि अच्छा इसमें ये बेटर है, वी डिस्कस टुगेदर, सारा हुआ. बट दो दिन में लिरिक्स वॉज रेडी. तो एंड देन ही ऑल्सो लाइक्ड इट, इवन आई लाइक्ड इट एज अ सॉन्ग. तो आई डिडंट वॉन्ट टू गो दैट वे ऑफ मेकिंग अ मोटिवेशनल और सॉरी द यू नो पेट्रियोटिक सॉन्ग, वो जो स्टाइल होता है ना टिपिकल, आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट. आई वॉन्टेड टू कनेक्ट टू द यूथ थ्रू दिस सॉन्ग. तो देन आई वॉन्टेड टू अप्रोच इन दैट वे द सॉन्ग. मतलब इसमें थोड़े पंपी एलिमेंट्स होंगे और थोड़ा हिप हॉपिश वाइब होगा, ये आइडिया था मेरा गाने के लिए. तो या तो उस तरह बना दिया. फिर देन आई वॉज थिंकिंग अब इसका करे क्या गाने का, तो अब है गाना तो बन गया, अब इसका करूँ क्या मैं. तो देन आई कॉल्ड अप देवांग बिकॉज माई फ्रेंड विवेक सजेस्टेड मी अबाउट देवांग बिकॉज आई डिडंट नो, एंड देन आई चेक्ड अबाउट हिम. So then I thought this is the right collaboration. I think I'm looking forward because you know the beliefs would match of what I thought and what I'm trying to achieve out of this song. So then that happened. So then Devang heard this the song and then he was like very excited about it. Ki yeah, definitely we'll do something. Let's you know do something about this. It's very interesting. So bas journey started from there. Ki kuch karenge. Then we thought of making the video for it. All that happened. So mainly my idea was that because India can be self-reliant only when the youth decides to have new ideas coming in or believing in the local brands or making something which is local, a brand which is viable for the entire world. So youth is the power source for this idea. And that's the reason why I wanted it to be youth song first of all, you know, the flow of the song, all that. So bas waisa बन गया. बस इट्स अ वन ऑफ थिंग. आई नेवर थॉट आई विल मेक रिमोटली पॉलिटिकल सॉन्ग, बट दिस हैपन टू बी अ सॉन्ग व्हिच आई वांट टू बी बिलीविंग इन. तो आई एम हैप्पी द सॉन्ग व्हाट हैपेंड. सो इट एक्चुअली कनेक्टेड गुड रिव्यूज आल्सो इन द सॉन्ग. देवांग वाज टेलिंग मी, अक्षय वाज टेलिंग मी दैट पीपल आर सेइंग गुड अबाउट द सॉन्ग. सो या हैप्पी एक्सपीरियंस. Yeah, I've heard the song and I really liked it. It's very thank motivational. Yes. Thank you. So, Vyasa, the current hot topic right now going on in around our country at least is nepotism. So, जो भी newcomers होते हैं, जिनको music industry में आना है, आप उनको क्या message देना चाहोगे? और क्या सच में music industry में भी nepotism है? Well, nepotism, I think I'm maybe it's too early for me, you know, to talk about nepotism that way because I have not been in that position yet. जहाँ पे मुझे feel हुआ कि ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ. But the way I look at it is nepotism is something that you know it prevails in every industry. First of all, आप अगर आप IT industry के CEO रहेंगे तो IT industry का जो उनका जो बेटा होगा CEO का, definitely he'll have more contacts in the industry where he might be able to help his son or daughter to get to the first step or something of that sort because he has the connection or he has the contacts. But a responsible way of handling nepotism is what I believe in, I think so, because when there's a situation where there's a great talent and there's a established person's son or daughter, now the decision makers, what decision they take, that should be responsible. That's what I feel. Okay, then it's making sense because abhi media mein kis tarah chal raha hai ki nepotism has become a bad word.
बट इट इज वेरी नेचुरल दैट हैपेंस कि नेपोटिज्म तो होने ही वाला है. मतलब कल को अगर मेरा बेटा या बेटी होगा, इफ ही इज टैलेंटेड एंड इफ आई एम ट्रस्टिंग ऑन दैट पर्सन, आई डेफिनेटली कनेक्ट समवन कि देखो मेरा बेटा या बेटी है, आप जरा देख लो. ऑफ कोर्स देयर इज दिस लिबर्टी दैट दैट पर्सन गेट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑलवेज अबाउट टैलेंट आई बिलीव. बिकॉज इफ यू आर टैलेंटेड एंड इफ यू रियली लव द प्रोफेशन, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपका एस्पिरेशन है कि आपको फेमस एक्टर बनना है या फेमस म्यूजिशियन बनना है, तो शायद आपका जर्नी अलग होगा क्योंकि आपको फेमस बनना था. बट इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड म्यूजिशियन, गुड एक्टर, आई वॉन्ट टू बी इन दिस इंडस्ट्री, आई फील गुड अबाउट दिस प्रोफेशन, तो कल को आप शायद 2 साल में स्टार नहीं बने तो भी आप क्विट नहीं करोगे क्योंकि बिकॉज यू वॉन्ट टू बिलीव इन दिस प्रोफेशन, यू वॉन्ट टू बी ए म्यूजिशियन, यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर. तो वो तो जर्नी कोई नहीं छीन सकता आपसे, दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट फॉर द यंगस्टर्स हुज कमिंग अप, हुज स्टार्टिंग द वर्क इन द इंडस्ट्री, दैट इज द टिप आई हैव फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज इवन आई बिलीव इन दैट कि फर्स्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ द वे इवन आई टोल्ड यू दैट इफ आई वॉन्टेड टू बी यू नो क्विकली सक्सेसफुल और फेमस, तो सिंगिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल यूजली डू और लाइक टू डू बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड, एवरीवन लिसन्स टू द सिंगर फर्स्ट. तो आई कुड हैव डन डायरेक्टली सिंगिंग, तो मैं सिंगिंग का डेमोज करता, भेजता लोगों को, बट आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड म्यूजिक मोर. आई डेंट वॉन्ट टू बी फेमस ऑल ऑफ अ सडन, दैट वॉज नॉट माई आइडिया और नॉट इवन अ थॉट कि ये ऐसा करना है. तो इट हैपन्ड टू बी इन माई जर्नी दैट आई एक्सप्लोर एज अ म्यूजिशियन इन माई सेल्फ. तो करता करते करते देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, ऑफकोर्स बिकॉज आई फेल्ट अ कनेक्शन फॉर सिंगिंग, बट आई डेंट हैव एन इंटेंशन टू बी चलो आप सिंगर नहीं बनोगे तो आप लाइमलाइट में नहीं आओगे. तो वो जर्नी में क्या होता है, फिर अगर कल को आपको चांस नहीं मिला, जब नेपोटिज्म के नाम पे आपको चांस नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि यार ये तो गलत हो गया और आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू एनी मोर बिकॉज माई रूट रीजन वॉज टू बी फेमस. तो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट. तो फाइंड योर जर्नी, फाइंड योर सेल्फ, बिकॉज म्यूजिक आई फील इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग. इफ यू लुक एट इट, there is a lot of things you can say and tell through the way you are as a person. So that's what I feel about it. Of course, nepotism, if you talk about it, of course, there are a lot of opportunities that new talent don't get. Existing people who are in the industry gets it. But responsibly handling nepotism is where I think is a better picture to talk about. So yeah, that's what I feel. So like we talked about earlier, क्या आप मिस करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, और आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद लाइव परफॉर्मेंसेस के फॉर्मेट में क्या चेंज आएगा? वेल, लाइव तो डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक मेरे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स के शोज शुरू नहीं किए थे. आई प्ले फॉर यू नो आई एम अ रेसिडेंट पियानिस्ट फॉर अ होटल, आई प्ले देयर पियानो एज अ परफॉर्मेंस, सो आई डेफिनेटली मिस दैट playing piano, the feel of it. But again, lockdown has shown us different ways. But then, of course, I miss life. But I feel it's again a new opportunity. If you look at it, lockdown has given has us a lot of atmanirbharta in us, in a way, to speak about. Ki jo main shayad 3-4 jan ke saath karta, abhi main jo khud karna pad raha hai. Aur एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये मेरे को भी सोचने दो कि मैं ये मैं कैसे कर सकता हूँ उसको. लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस सॉन्ग आई यूजली वर्क विद अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड देन रिकॉर्ड माई वोकल्स इन अ स्टूडियो ऑल दैट, बट दिस सॉन्ग आत्मनिर्भर भारत आई डिड एवरीथिंग इन माई लैब हियर. ओके, आई वॉज माई रिकॉर्डिंग इंजीनियर, आई वॉज माई यू नो टेक्नीशियन हैंडलिंग द सॉफ्टवेयर. Yeah, so I think lockdown has taught us to be more self-reliant in a way. So I think if you look at it that way, maybe you have more skills in you. By the time everything opens up, jab live shows fir se shuru hoga, to I think pehli baar to live shows to definitely hoga. Aisa mujhe lagta hi nahi ki live concept kabhi khatam ho jayega just because pandemic. I don't think so. It will always be there because it's a very vital format for humanity in general, because what do you feel in a live arena or a place, you don't get to get in a Skype session or a digital performance. But it's great. Jo pehle hota nahi tha zyada.
अभी कैसा है कि वी हैव अ चॉइस कि हम डिजिटली भी सोच सकते हैं, मे बी वी कैन डू अ 30 और 1 मिनट 2 मिनट टीजर फॉर अ लाइव शो कमिंग अप ऑन अ डिजिटल मीडियम, वी आर मोर गेटिंग फेमिलियर मोर अबाउट इट. तो आई थिंक दैट वुड बी द ओनली डिफरेंस कि डिजिटल एक्सप्लोरेशन और आर्टिस्टिकल एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा, बट लाइव शोज तो आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप. मे बी 1 year 2 years डाउन द लाइन इट विल टेक टाइम, इट्स अ बैड टाइम फॉर द लाइव इंडस्ट्री, बट आई थिंक वी विल रिकवर, दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. आई डोंट थिंक इट विल गेट स्टॉप, बट या वी विल बी अ बेटर बेटर पर्सन व्हेन एवरीथिंग गेट्स वेल. सो हु इज योर फेवरेट सिंगर एंड कैन यू सिंग फ्यू लाइंस फ्रॉम हिज और हर फेमस सॉन्ग? फेवरेट सिंगर का तो पता नहीं, मतलब एकदम से मुझे ऐसे एकदम सिंगर याद नहीं आ रहा, बिकॉज आई एडमायर अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई कांट चैट, शायद और एक घंटा खींचना पड़ेगा कि तो आई लव एवरीवन हु हैज गॉट अ वॉइस ऑफ देयर ओन, हु हैज अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ सेइंग समथिंग. बट देन इफ यू क्विकली आस्क मी राइट नाउ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हर्ड अ सॉन्ग जिंदा हूँ यार फ्रॉम लुटेरा द मूवी, अमित त्रिवेदी इज द कंपोजर एंड सिंगर. या सो recently my friend and I were talking about something or something happened and then I heard this song after a long time and tab se main 3-4 din se wahi ga raha hu, wahi gungun aa raha hu, wahi soch raha hu. So and it's very relatable for this condition also, I feel. Yes, exactly. That's why I feel, that is one song I really like, Zinda Hoon Yaar is a song I really like currently. That's my current playlist. Can you sing that for us? Yeah, sure anytime. हवाओं से जो मांगा हिस्सा मेरा, तो बदले में हवा ने सांस दी, अकेलेपन से छेड़ी जो गुफ्तगू, मेरे दिल ने आवाज दी, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे. कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है. सो मच, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है. तो व्यासा, हम आ चुके हैं हमारे इंटरव्यू के एंड पॉइंट पे, तो थैंक यू सो मच आपने आपका वक्त निकाला हमारे फैंस के लिए. तो जाते जाते इस कठिन समय में आप हमारे फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो या आई थिंक वही मैसेज है कि ऑफ कोर्स इट्स टफ टाइम्स. And I think rather than getting into bad thoughts, yeah, because bahut sare logo ko, as a freelancer, as myself or many people, it's a big hit or a big, you know, downtime for such people who are, you know, doing their business or whatever. It's a tough time.
बहुत सारे लोगों को बाहर निकलने नहीं हो रहा, इट्स ऑल देयर, बट दिस इज अ टाइम वेयर आई थिंक यू कैन होन योर स्किल्स, आपकी जो हुनर है या फिर आप किस तरह के इंसान हो उसको ज्यादा समझने को, उसको ज्यादा जानने की कोशिश आप कर सकते हो. शायद ये टाइम, शायद मेरे डैड या फिर मेरे दादाजी, एटलीस्ट तीन जनरेशन पे तो किसी ने देखा नहीं ऐसा टाइम. तो आई थिंक इट वॉज सम वे अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉज फॉर ह्यूमैनिटी, यू नो, टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर एज अ पर्सन, वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, टू बी विद योर फैमिली, टू अंडरस्टैंड वैल्यूज. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू राइट नाउ. तो बस आई थिंक इफ यू टेक इट दैट वे इट्स ग्रेट, बिकॉज द कंट्री, द हेल्थ वर्कर्स, एवरी वन इज वर्किंग हार्ड ऑलवेज फॉर आवर कंट्री. सो एज अ सिटीजन्स हु आर एट होम, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घर पे रहकर वो टाइम की, टाइम का वैल्यू कर सके और कुछ अच्छा कर सके जो हम सोच तो सके कम से कम, कि ओके लेट्स थिंक अबाउट अस, व्हाट आर वी, व्हाट वी आर सपोज टू डू, कुछ नया पैशन ढूंढ लिया, कुछ नया चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया. तो आई थिंक दिस इज अ टाइम, इट्स टफ बट यू नो देयर इज ऑलवेज होप, दैट्स व्हाट आई फील. सो थैंक यू सो मच व्यासा, आप आए, हमसे इतनी अच्छे से बात की, दो गाने भी सुनाए. हम आशा करते हैं कि जल्द ही ये लॉकडाउन और कोरोना की महामारी अपने देश से और इस दुनिया से चली जाए और हमें आपके और नए नए गाने सुनने का मौका मिले और लाइव सुनने का मौका मिले. श्योर श्योर, मेरी भी उम्मीद है कि और आपको मैं परफॉर्मेंस दे सकूं और ज्यादा कनेक्टेबल स्टोरीज बोल सकूं, हमेशा यही उम्मीद है. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय हिंद.